तो ये है बाबा हरभजन जी का मंदिर, और फिर हम लोग लाइन में लग जाते हैं। तो फाइनली हम लोग प्रसाद लेते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं 13,900 फीट। अभी कितना टेम्परेचर है पता नहीं, लेकिन गाड़ी सब यहाँ रुक के अपना फोन देख और फोन मिलेंगे नए जगह में। आज हम लोग निकल रहे हैं आचूम के लिए, तो ऑलरेडी गाड़ी आ चुका है, देखते हैं कैसा ट्रिप रहता है। एनीवे वेलकम टू द न्यू ब्लॉग, आई होप सब स्वस्थ है, सब मस्त है। तो ब्लॉग में बने रहिए, जैसा भी है रोड ट्रिप में जो भी देखने को मिलेगा आप लोग शेयर करते रहेंगे। तो भाई सभी हम लोग रुके हैं थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर में जाके एटीएम का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए नीचे से ही हम लोग अभी एटीएम से जितना कैश जरूरत है निकाल ले रहे हैं। मतलब नेपाली में सिम मतलब जहाँ पर पानी पानी होते है ना, उसको सिम बोलते हैं, इसलिए नाम ही रख दिया सिम राय। ये बाजार में भी लोकल मार्केट में बहुत मिलता है, कभी मिलेगा तो बोलिएगा, खाए टेस्ट करके देखेंगे कैसा है। आपको ऐसे होम स्टे जो है ना, मतलब जगह जगह पे ना नेचुरल वाटर नीचे गिर रहा है, तो उसी को पाइपलाइन से घर पे सप्लाई किया जा रहा है। ये वाटर सब प्योर है एकदम पूरा, मतलब डायरेक्टली इसको पी सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक है दिखा रहे हैं आप लोग को, एकदम प्योर वाटर है, आप लोग डायरेक्ट इसको पी सकते हो। तो पाइप सब पाइप जो दिख रहा है इसी से पानी सप्लाई हो रहा है। अभी हम लोग आए हैं सेवन सिस्टर फॉल्स में, तो अभी पानी तो उतना होगा नहीं, फिर भी जितना है देख लेते हैं एक बार। दिस इज सेवन सिस्टर फॉल्स, जो सात जगह से पानी गिरता है, लेकिन अभी एक ही जगह से गिर रहा है क्योंकि पानी अभी तो पानी है ही नहीं। तो ये तो देख लिए, कवर कर लिए, यहाँ से कॉफ़ी ऑर्डर किए हैं, दो कॉफ़ी पिए के उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ। तो यहाँ से अब निकलते हैं आगे के लिए, अभी भी ऊपर चढ़ना है, वाशरूम यूज़ कर लिए, वाशरूम फैसिलिटी है। तो यहाँ पे गाइस अभी भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अगर ये जब बन जाएगा तब शायद अच्छा लगेगा, पानी तो अभी है भी नहीं। फॉल्स वहाँ पर है उधर के, अभी वो है एक बार देख लेते हैं। पूरा पानी नीचे ही जा रहा है, कितने हेल्दी होते हैं यार। थोड़ा देर वेट करना पड़ता है, फिर तुरंत गाड़ी आता है, निकल उस गाड़ी के पीछे पीछे ही सब बाकी सब गाड़ी नहीं। तो आगे में शायद कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसलिए ब्लॉक करके रखा है, वन बाय वन जब स्टे करेगा तो पास करेगा। तो सारे तो लाइन में ही खड़े, यहाँ सब ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिल रहा है, यू कैन परचेज इट फ्रॉम हियर। ये एक प्लेस है जहाँ पे हम लोग अभी लंच खत्म किए, लंच खत्म करने के बाद आगे निकलेंगे। और एक गाइस एक इन्फॉर्मेशन बता दें, यहाँ पे प्लास्टिक का बॉटल अलाउड नहीं है इस चेक पॉइंट के बाद, जब नॉर्थ सिक्किम जाओगे तो प्लास्टिक का बॉटल कैरी मत करना, नहीं तो 500 रुपीज़ फाइन है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लंच कम्प्लीट किए हैं, लंच कम्प्लीट करने के बाद अभी आगे निकलेंगे। आज एक्चुअली एक जगह में रिपेयर चल रहा था तो काफ़ी लेट हो गया, तो लंच करते करते ही 2 बज गया। देखते आज तो साइड कोई साइट सीइंग होगा नहीं, तो सीधे होटल पहुँचेंगे, होटल पहुँचने के बाद कल फिर निकलेंगे। फिर थोड़ा देर चलते ही हम लोग पहुंच जाते हैं तीस्ता रिवर बेस। दिस इज तीस्ता रिवर, पानी अभी बहुत कम है, फ्लो उतना है नहीं। तो ये जो ब्रिज है एट ए टाइम कोई एक ही गाड़ी पार कर सकता है। ब्रिज तो ऑसम है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा, पीछे नहीं देख पा रहे हो, ऑसम है।
दोस्तों फ्लड आने के बाद से ये रोड पूरा डैमेज हो चुका था। मतलब गैंगटॉक से लाचुंग तक जो रोड है वो 50% रोड डैमेज है। तो फिर क्या कुछ ऑफ रोडिंग टाइप का हो गया यहाँ पे। रोड का कोई भी नामो निशान नहीं था, छोटा गाड़ी तो चल ही नहीं सकता ये सब रास्ते में। और रास्ते सब इतने पतले पतले और जगह जगह में लैंडस्लाइड हुए थे। देख ही सकते हो सब रोड मरम्मत चल ही रहा है और एकदम पतला रास्ता है, एक ही गाड़ी क्रॉस कर सकता है। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ सीधे नीचे खाई में। तो नज़ारे का मजा लेते हुए आगे बढ़ते रहे हम लोग। यहाँ पे गाइस थोड़ा चाय पीने के लिए रुके, मौसम देख लो। खैर वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे फिर नए जगह में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहिए, सब मस्त रहिए। चाय पी लिए, कॉफी पी लिए, थोड़ा एनर्जी आ गया, अब आगे बढ़ेंगे। अब एल्टीट्यूड अब बढ़ते ही जाएगा। राइट नाउ वी आर एट अराउंड 7000 फीट। नज़ारा कुछ ऐसा है, टेम्परेचर उतना ठंडा तो अभी है नहीं, तो जैसे और थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे तो शायद थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और तो देखते हैं जैसा भी होगा, पहुँचते पहुँचते तो अंधेरा हो जाएगा, शाम हो जाएगा। तो आज तो नहीं, फिर कल